नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। आज एक बार फिर शुरू हुई नगरपालिका द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी। आपको बता देंगे ये कॉम्प्लेक्स पाकिजा मॉल के पास बनाया गया है। पिछली बार भी नगरपालिका द्वारा इस कॉम्प्लेक्स में दुकानों की नीलामी कराई गई थी, लेकिन वहां पर बोली लगाने वाले नहीं पहुंचे और जो पहुंचे उन्होंने इतनी बोली नहीं लगाई जितनी नगरपालिका ने दुकानों की कीमत रखी थी। आज फिर एक बार उक्त दुकानों की नीलामी शुरू हुई, लेकिन इस बार भी नगरपालिका को जितनी उम्मीद थी उतने बोलीकर्ता नहीं पहुंचे। आदमियों ने पैसे जमा कर दिए हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है, बोली डाटा आते जाएंगे, राशि जमा होती जाएगी, नीलामी आरम्भ करा दी जाएगी। आज विधायक पन्नालाल शाह के पहुंचे मंडी, वहां पर पहुंचकर उन्होंने किसानों की समस्याएं जानना चाही। आपको बता दें कि शासकीय एजेंसियों द्वारा आसपास के तहसीलों गांव में खरीदी केंद्र गुना मंडी बनाया गया है। वहीं गुना में किस गांव से कितनी ट्राली अनाज आ रहा है, कितने तौल कांटे लगे हैं, ये देखने वाले सर्वेयर बहुत ही कम है। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस बारे में प्रशासन से बात की है, जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। अरे आपने बात नहीं पूछा, फिर मतलब है हम देखे भाई साहब ज्यादा तोड़ रहे हैं अपने किसान परेशान है। क्या बात है, क्यों यही बोल रहा हूँ, गाड़ी किसान हमें तो सुनी सकाल तुम्हें ज्यादा कोई मतलब नहीं है व्यवस्था अपन से सुन रहे हैं, उसे के ज्यादा अपन परेशान का है। एक मिनट मेरी बात सुनो, बात में हमसे कर रहे हैं ना सर। अरे तो मुझे नहीं कर रहे तू बना है यार, मुझे तो बात करना, मैं उन्हें भी रहा हूँ ना सर। नाराज क्यों होता है? नहीं सर नाराज नहीं हो रहा, बात तो कर लेने दो बना। केवल तीन ट्राली तोली है और इतनी जगह पड़ी है कि अगर तोल वो चाहते 20 ट्राली का माल बन जाएगा, लेकिन तीन आदमी नहीं है सर, आदमी नहीं, दो तीन दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं। क्या कौन में वो समिति का वो मंत्री कौन है? यहाँ का प्रस्ताव कौन ने दिया यार, चिपन में क्यों नहीं लगा? मैंने वो दुकान दी है, सभी लोग हमारे बैंक में सभी जाएंगे और कहाँ लगाएंगे? यहीं पे है कम से कम, मैं अपनी आगे तो है नहीं इधर के यहाँ पे एक बाबे भी चालू करा के आए बस 10 दिन हो। अरे 10 दिन 10-15 दिन हो गए, तुलते तुलते किसान परेशान हो रहा है और अपन अभी तक सर्वे ही नहीं भेज पाए। रामवीर सिंह कितने कल आएगा? कल आएगा, कल सर्वे यार, कल आएंगे, परसों आएंगे या ना तुम्हारा मेरे को एक तारीख बता दो। नहीं है, नहीं है, उसमें बर्बाद वजह ही नहीं सुल जाएगा, कल आ जाएंगे हर हालत में। नहीं नहीं कहाँ पे, एक में चौबीस एक और मैं लिख दिया, ये सर्वे जो है 9 बजे से नहीं आते। आपने जो तय किया है, एक है कि दो है कि 10 है, इनको इस पर नहीं नहीं मैंने यहाँ पूछ लिया है, आप जबरन में लीपा पोती मत करो यार। देखो 9 बजे माने 9 बजे और 7 बजे शाम को मन 7 बजे तक एक सर्वेयर को अपन ने कितनी ट्रॉली दी है वो ट्रॉली जांच करेगा और तुलाने के लिए तुरंत भेजेगा। आपके कुछ स्पष्ट निर्देश होना चाहिए, और अगर आपसे कुछ नहीं बनती हो तो मेरे को बता दो, मैं ऊपर बात कर लूंगा। सरकार ने ऐसे ही थोड़ी अपने को नियुक्त किया है भाई, क्या नहीं आया एसी रूम में बैठने को नियुक्त किया है क्या अपन ने अपने को? तो फिर बताओ ना भाई, ये किसान जो 4-4 दिन से परेशान हो रहा है यहाँ।
और आप सर्वेयर नहीं है उपलब्ध करा पा रहे। सुनो सुनो, एक और बात मेरी सुनो, ठीक से समझ लीजिए। आप हमारे जिला कलेक्टर से बात करो, कोई भी जो रिटायर्ड हो गए हो उनसे क्या तरीका हो सकता है, वो नए सर्वे भेजेंगे, सर्वेयर भेज देंगे पार्ट टाइम के लिए, और हम बात कर लेंगे कलेक्टर साहब से। नहीं साहब, जल्दी कराओ इस बात के लिए, तत्परता से काम होना चाहिए। बरसात आने वाली है, फिर ये ट्रॉली आप रखोगे कि FCI रखेगा या किसान अपने घर पे ले जाएगा? तो नहीं नहीं सर्वेयर जल्दी भेजो, कल मैंने कल चने और गेहूँ के जो कांटे लगे हैं उस ग्रुप को हम देखने आए थे, उसमें जो सर्वेयर है उसकी कमी देखने को आई। अगर सर्वेयरों की संख्या बढ़ जाती है वो काम जल्दी निपट सकता है, तो हम उधर इनका जो अधिकारी है जिनके माध्यम से ये हो रहा है, और कलेक्टर साहब और SDM से भी हम बात कर रहे हैं, ऐसा कल मिला के कल सर्वेयर बढ़ जाएंगे तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी। बाकी का FCI का जैसे ही गोदाम प्राप्त हो गया है सारा माल वहाँ जाने वाला है। एक बार दूसरा, किसानों को भुगतान के लिए कलेक्टर साहब ने बताया था मेरे कल कि पैसा आ गया है लगभग 1-2 करोड़ रुपया और सारे किसानों के खाते में पहुंच गया। एक मिनट, आज हो गई तो कल सुबह से है ना, एक नई व्यवस्था होती है उसमें थोड़ी अव्यवस्था भी फैलती है, उसको धीरे नंबर बकायदा डलवाएं, पैसे सब मत दो, अपन बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कमी है तो मत दो, चल रहा है सुधार हो जाए। कैंट थाना अंतर्गत ग्राम मावन में अधेड़ उम्र के आदमी ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया। मावन गांव की बावड़ी में दिया घटना को अंजाम। आरोपी केसु उर्फ केशव कुशवाहा ने गांव के ही 7 साल की बच्ची के साथ अपहरण करके बलात्कार का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 363, 366A, 354B, 376, 511 IPC एवं पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची पकड़ी गई, क्या इसके साथ कृत्य हुआ और आरोप पकड़े गए? ये ग्राम मावन का मामला है, एक नाबालिग बच्ची है जिसको ये केशव सिंह कुशवाहा हैं ये जो है उसको उठा के ले गए बच्ची को, और गांव के पास में एक बावड़ी है उसमें ले गए और उसके साथ में गंदी हरकत की है, जिस पर से मामला कायम किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसका कोई बैकग्राउंड भी है क्या आरोपी के? अभी लिया जा रहा है, इसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है संबंधित थानों से। धारा 363, 366, 376, 511 प्लस 501 की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। नगर पालिका द्वारा टेस्ट की गई फॉग मशीनें, इन मशीनों द्वारा हर मोहल्ले गली में मच्छर मक्खी मारने वाली दवा का छिड़काव किया जाएगा, जिसके द्वारा नगर पालिका बहुत ही जल्द हर मोहल्ले एवं गलियों में मच्छर मक्खी मारने वाली दवा का छिड़काव करेगी। नगर पालिका द्वारा बहुत जल्द चालू कराई जा रही है, आज ट्रायल ली गई है, इसके बाद इनके लिए शहर के गली मोहल्लों में चलवाई जाएंगी, जिससे लोगों के लिए मच्छरों से निजात दिलाया जा सके।
मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल व विनर सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर द्वारा रंग अभिनय थिएटर एक्टिंग वर्कशॉप का हुआ शुभारंभ। यहां पर जो लोग भी अभिनय में रुचि रखते हैं उन लोगों को एक्टिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि किस तरह से फिल्मों में एक्टिंग की जाती है। यह वर्कशॉप 10 मई से लेकर 30 मई तक गुना के गुरुकुल स्कूल में प्रशिक्षक विनर सोसाइटी के संचालक मधुर जैन व दिल्ली के नाट्य कलाकार विकास बिहारी द्वारा सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका समय शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रखा गया है। लोग कैमरा एक्टिंग की तरफ जाते हैं, टीवी फिल्म इनकी तरफ ज्यादा जाते हैं, लेकिन थिएटर की तरफ जाने वाले लोग आप जैसे कुछ ही मिलते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आप सभी लोगों को, अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे आए। दिल्ली से आपके डायरेक्टर होंगे, फिल्म के लिए आपके लिए डायरेक्ट करेंगे, जो अभी तक मैंने बहुत कम लोगों को बताया था, बता देंगे। इस वर्कशॉप में आपको एक्टिंग टेक्निक्स तो सीखने, कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग, इम्प्रोवाइजेशन, ये सारी चीजें तो सीखने को मिलेंगी मिलेंगी, साथ में एक एप्लीमेंटिंग भी होगा। स्टेज पर एक प्रोडक्शन तैयार करवाया जाएगा आप लोगों के साथ, आप में से कुछ लोग उसमें सेलेक्ट होंगे, देखते हैं कौन कौन होता है। विकास सर आने के बाद आज हमारे साथ नहीं है, कल तक इतने लेट आएंगे। आपने फॉलो निश्चित किया होगा, आप करोगे तो सभी एक्टर्स जो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, जिनका आप लोग इंटरव्यू देख रहे हो, निश्चय नहीं है कि वो किसी गॉड फादर। मेरे प्यारे बच्चों और जो भी यहाँ पे हॉल में उपस्थित हैं, एक खुशी का एहसास मुझे हो रहा है। दो चीज़ें मैं अभी सोच रहा था, मुझे दो चीज़ें याद आ रही हैं। आप लोगों में से कोई गुजरात को जानता हो तो हर गली से कोई ना कोई रिश्तेदार आज यूएस में जॉब कर रहा है। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।